मैंने पापा को मैसेज किया, पापा गाड़ी दिलवा दो, कह रहे ओके। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो सारे? आई होप सारे मस्त फिट मजे में हो। पर आ रहा है शायद आज या कल में। इस रूम में जो मैंने ऐसे गंद मचाया था ना, वो रिंग लाइट हो गई, ये हो गया, ये सब मेरे को साफ करना है। वैसे मैं भी जा रही हूँ बाहर, अगर वो मेरे पीठ पीछे आ गया ना, उसे दिख गया कि मैंने उसके रूम में क्या किया है, तो मेरे हाथ से मेरा रूम भी चला जाएगा। एनीवे, तो पापा मम्मी बहुत एक्साइटेड है। पापा तो लिटरली ऐसे बैठ के वेट कर रहे थे, सुबह काम पे लेट जाएंगे अगर पर आज आने वाला हो तो। शायद आज या कल आएगा, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ठीक है, क्यूट, अच्छा लगता है। एनीवे, अभी बस निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। पंखा बंद करो यार, पंखा बंद करो। मेरे ऑफिस की एक अच्छी बात है कि कुछ ड्रेस कोड नहीं है कि फॉर्मली पहन के जाना, जो मैंने आया है वो पहन के जाओ। यार ऑफिस वाले लोग देखते हैं, बोल भी नहीं सकते। मैं वैसे कुछ बोलती भी नहीं थी। ये मेरा बोरिया बिस्तर, ये मेरा एक और बोरिया बिस्तर। चले, मैंने पापा का मैसेज किया, पापा गाड़ी दिलवा दो, कह रहे ओके। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। कीर्ति मैम, किया किसने? ये पाकर बंद हो गया भाई, लिटरली पता नहीं अपने आप। ये टेक्टिव ने क्या टेक्टिव? यार ये अटक गया, ये मैं इतनी देर से बोल रही थी नहीं खुलेगा गेट, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, गेट नीचे हो गया है। मम्मी पापा में से कोई भी घर पे नहीं है, तो मेरे को अपने घर मंगवाना पड़ा। अदरवाइज सबको पता है मैं हेल्दी खाती हूँ गाइस। ये खुलेगा कैसे? एक मिनट, ऐसे टिकेगा फोन। यार ये बर्गर तो मुझे लगता है हेल्दी ही होता है। मैं खाती हूँ यार, बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत भूख लगी, बहुत बहुत। मैं आज आने में बहुत लेट हो गई, मम्मी पापा के साथ मेरे को डॉक्टर के पास जाना था, मम्मी को लेके नॉर्मल अपॉइंटमेंट थी, बट मिस हो गई क्योंकि ट्रैफिक इतना था कि मुझे आज आने में 2.5 घंटे लगे हैं साकेत से। वैसे 1.5 लगने चाहिए, बट 2.5 लगे हैं आज, तो मैं लेट हो गया। मुझे बुरा फील हो रहा है कि मम्मी मेरे बिना गई है, क्योंकि मम्मी को नहीं, मम्मी क्या, मम्मी पापा दोनों को ही नहीं पसंद कि वो डॉक्टर के पास मेरे बिना जाए। बट मैं क्या करूँ, डांट भी रही थी मैसेज पे, कहती तुझे कहीं और जाना होता तो जल्दी निकल जाती, बट मैं नहीं निकल पाई आज जल्दी, पता नहीं क्यों। बट ठीक है, अभी निखिल देवेश भी आने वाला है, क्योंकि निखिल देवेश गए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ का प्रसाद लाने वाले हैं। गाइस मम्मी आ गई है, एंड मम्मी तुमने मेरे को ये क्यों बोला कि कुछ और इस पे क्यों बैठ रही है? गोदी में नहीं बैठती थी क्या? तो बड़ी हो गई ना, बहुत बड़ी हो गई। तो क्या वो तुमने मुझे ये बोला किसी और काम के लिए जल्दी निकलना तो निकल जाती है, ऐसा कभी किया है मैंने? सो मैसेज में हाँ, मुझे हर्ट हुआ है दिल में बहुत ज्यादा। कुछ उपाय बताओ। बताओ, चाय बना दो। बहुत हर्ट हुआ है मेरे को, मैं कब नहीं करती तुम्हारे लिए ऐसा, बहुत बुरा लगा रोते रास्ते पर। मैंने क्या बोला यार, मैं बहुत थक जा रही हूँ, व्लॉग नहीं कर पा रही, क्या कर? ये तो है, मैं सच में बहुत थक जा रही हूँ। गाड़ी में व्लॉग करते रहे, मैं बहुत थक जा रही हूँ गाइस। मैंने नहीं सोचा था कि इतना हेक्टिक हो जाएगा, बट हो गया। अच्छा एक गुड न्यूज है। क्या बोलो? ओके, चार के अरे तुम्हारी शक्ल अच्छी आ रही है, मेरी तो बड़ी खराब आ रही है। क्या कर रहा है? मैंने लेस है क्या? कैसे खाया है तूने ये? देखा है तूने? कैसे खा रहे? पहली बार मिला है क्या? पापा सबने ये बोला है कि तुम्हारा मन नहीं था फंक्शन सेलिब्रेट करने का। हो कह रहे सही, ऐसा कुछ नहीं बाबू, सबको गलत कर दो, अगले महीने फिर बना। नहीं पापा स्माइल ही नहीं करते हैं, वो स्माइल की वजह से। हाँ नेचर ही वैसा है। इस बात पे हमारे घर में आर्गुमेंट हो चुकी है, प्लीज और आग ना लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। अब लोग का फर्क होता है कौन साथ में खड़ा है। अगर मैं अंकल के साथ होता तो मैं साथ में। मम्मी हंसा नहीं पा रही थी। चल हंसा दे, हंस रहे हैं, रुकी नहीं। सही कह रहा है यार निखिल, तुरंत मैंने अब नोटिस किए बस। और मम्मी ने हल्के हाथ से लाइट जला दिया कि कम आ रहा होगा व्लॉग में। कह रही कोई प्रैंक वीडियो, क्या प्रैंक वीडियो बनाया? चैनल बनाओ सबसे, बताओ क्या क्या प्रैंक वीडियो बनाया? मेरे पास बहुत कुछ है। प्रैंक वीडियो, एक आइडिया दो। प्रैंक वीडियो क्या बनाए बताओ। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, नहीं बताऊंगा। किस पे करना है ये तो बताओ। किस पे करना है? तुम पे, मेरे पे। सब अभी धीरे धीरे बताएंगे क्या प्रैंक, क्या प्रैंक, वैसे क्या करोगे, क्या करोगे मम्मी? मेरे पास बहुत कुछ है। जैसे की निखिल पंखा बंद कर, प्रैंक क्या प्रैंक करोगे निखिल? टेंस बदल दिया, प्रैंक 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 पढ़ती पटंदी समथिंग समथिंग। तेरे को आता है? हाँ संस्कृत पढ़ी है मैंने। अरे क्या बोला आपने? पढ़ती पटंदी समथिंग समथिंग। अरे फ्रेंच।
अच्छा तुम थोड़े बताओ ना, फ्रेंच थी। अरे चुप, प्रैंक में आया था एक आईडिया। अरे तो दो ना बोलो ना, प्रैंक नहीं बताना ना फिर। अरे फिर हम बताएंगे ना, सही है, तेरे से तेरे पे ही करना है बात को समझा। कैसे हंस रहे हो, क्या हो गया? चार दिन बाद देखियो, नहीं ये हंस ब्रेक्स ब्रेक्स में तेरी ब्रेक्स में हंस रही है। चुप रह, इसमें प्रैंक करते हैं, इसमें प्रैंक करते हैं हम। मेरे पे आया, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आज हम जा रहे हैं दादी को लेने। ओ प्रैंक नहीं है ये, ड्रीम कम ट्रू है। मम्मी कैसे बैठा है हमारे घर में, ये सब अलाउड नहीं, इतनी टांगे दिखना अलाउड नहीं हमारे घर में। चुपा, हल्का हल्का हंस रहा है। कितना हंसे, 25 साल हो गए। बारिश भी क्यूट यार, मेरे मम्मी पापा की डालोगे? नहीं नहीं हो गया, ये नहीं डलेगी, ये 30 मिनट की है, वैसे नहीं डलेगी। बट मेरी मम्मी पापा की, मेरे मम्मी पापा की शादी की वीडियो नहीं है, तुझे पता है? हाँ बताया था। तो ये हमने पूरा कराया है इसलिए था। ओए हंस तो रहे, एल्बम भी बनवाई है। हाँ ओए हंस तो रहे। ओए तेरा वेट कितना है? 53 होगा। मेरा भी 52 है। तो अब तो बराबर बराबर का टक्कर है। ओए निखिल का बराबर बराबर हुआ। लड़का लड़की ऐसा तो कुछ होता है। एक बार थोड़ा तमीज से कर दे प्लीज भाई। आपने दूसरा हाथ क्यों लगाया? चीटिंग करके अलाउ कर दे प्लीज। ठीक ठीक है, चलो चल छोड़। मत कर यार, रो गई। रोंदड़ तो है ये। ओ भाई, भाई की शक्ल देखता ऐसे हो गई। ओ मत कर यार, अरे दर्द हो गया था यार हाथ में यार। गाइस यार घूमने चले, हम आ गए वैष्णो देवी से वापस, घूमने चले गए, फिर से हम जा रहे हैं ऋषिकेश। चलोगे सैटरडे को? भाई हमारी हो गई है ट्रिप। अरे गाड़ी चल, मेरी गाड़ी चला शाम को। कुछ भी गुड़गांव जाना है। गए निखिल देवेश, निखिल देवेश आ जाते हैं ना तो मूड एक्चुअली में बहुत सही हो जाता है, क्योंकि पर्व तो है नहीं, तो कोई है नहीं घर पे ऐसे मस्ती मजाक करने वाला। मैं मम्मी पापा से भी करती हूँ बट ऑब्वियसली लिमिट है। तो गए वो दोनों, बाकी पर्व भी कल आ ही रहा है। मेरे को एक और बात बोलनी थी कि ऑफिस और ब्लॉग साथ में मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहे। मुझे लगा था कि मुझसे हो जाएगा बट मुझसे एक्चुअली नहीं हो रहा है। बट मैं व्लॉग्स तो नहीं छोड़ सकती, मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, व्लॉग्स तो मैं नहीं छोड़ूंगी। स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही करी थी बट अब मेरे को मजा आता है। बवाल चीज है वे। तो यही दिक्कत हो रही है, मतलब मैं क्योंकि अब 8 बजे आती हूँ, मैं सुबह की गई हुई, 10 बजे की निकली हुई, मैं 8 बजे आती हूँ, तो एनर्जी नहीं बचती है उतनी। बट मैं व्लॉग्स तो नहीं छोड़ सकती, मैं ट्राई करूंगी, मैं ट्राई कर भी रही हूँ। इवन मैंने कल भी रिकॉर्ड करा था बट मैंने शाम को आके डिलीट मार दिया सारा, क्योंकि मुझे लगा एनर्जी नहीं है, बकवास है, मैं नहीं डाल रही ऐसा कुछ। बट ठीक है, आज किया है, लेट्स सी मैं थोड़ा मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि भाई मैं यूट्यूब तो नहीं छोड़ूंगी। एनीवे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अच्छे से कमेंट्स। एंड मुझे पता है सारे नाराज हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं नहीं डाल पा रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा था मैनेज यार। मे बी नया नया है इसलिए मैनेज नहीं हो पा रहा, कुछ टाइम में मैनेज हो जाएगा, बट मैं करूँगी मैनेज, ये तो प्रॉमिस है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। मैं पता सुबह ये बोल रही थी कि तू कल आएगा बट तू आज आ गया, जस्ट मैंने ब्लॉग एंड किया और तू आ गया। मैं भी कल आने वाला था तो आज ये कैसे आ गया? मैंने इस बार तेरे को पहली बार बहुत मिस किया। मैंने कहा मैं घर में अकेली हूँ, कोई है नहीं, करना मेरे पे वो मत कर। क्या बिना बात क्या मैंने एक्चुअली मिस किया मम्मी, मैं अकेली ऑफिस से थकी हुई हारी आती थी और नहीं एटलीस्ट अच्छा नहीं पता मैं बताती हूँ ऑनेस्टली, वैसे कोई ना देखे तो, बट ना वहाँ सारे अनजान है एंड फिर एक होता नहीं कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, और ये मेरा कंफर्ट जोन कोई था नहीं मेरे घर पे, तो आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली।